दुश्मनों के ऊपर। ये पूरा तोप का गोला गिरता था, जाकर पूरा मुल्क तबाह होता था। नॉर्वे का, फिनलैंड का, डेनमार्क का, जर्मनी का और अमेरिका का झंडा लगा हुआ इधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको हम दिखाएंगे, स्टॉकहोम की सैर करवाएंगे। हमारे पास बहुत प्यारे हमारे भाई आए हैं, ये चेक करें, ये भाई स्पेशल आए हैं दुबई से, यहाँ से देखने के लिए। तो भाई जी, बताएं जरा कैसा लग रहा आपको यहाँ पे आके? इट्स अमेजिंग, आई मीन अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। इसकी इस तरह का आर्किटेक्ट आपको दुबई में मिलता है? आपको बुर्ज खलीफा तो मिल जाएगा, पाम जुमेरा मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का आर्किटेक्ट वहाँ पे मिलेगा? No, not at all. इस तरह की आंटी खड़ी मिलेगी आपको वहाँ पे? ये देखिए, ये यहाँ पे ही है। तो जनाब जी, जुड़े रहे हमारे साथ। ये जो चर्च है ना, ये है स्वीडन का सबसे पुराना चर्च। सबसे पहले यहाँ पे प्रार्थना शुरू हुई थी इनकी, ठीक है। तो ये चेक करें, ये आंटी भी यहाँ पे खड़ी है पर्स लेके। तो ये देखे आर्किटेक्ट चेक करें, कितना खूबसूरत। तो जनाब जी, अब हम आ गए हैं उपसुला के अंदर ही, क्वीन के घर में। क्वीन अभी सोई हुई है, तो लड़के को भेजा छोटे को के जगा के, वो कहता जी नहीं वो सोई हुई है। तो खैर, आपको ये किंग कर खाते हैं हम पैलेस। यहाँ पे जो उनसी है ना, क्वीन रहती है, और ये शहर के बिल्कुल ऊपर है। अगर यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। और ये जी, ये सारी हिस्ट्री है किंग जेंस पोर्टल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फ्यू ईयर्स अर्लियर जॉन विल प्लेस आर्किटेक्ट, सब सारी हिस्ट्री लिखी है। खैर, तो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़नी है। तो आगे चलते हैं और ये चेक करें। ये जनाब जी, यहाँ पे पुरानी एंटीक कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी, ये चेक करें। और ये ना उसकी टिकट है, टिकट के साथ आप आ सकते हैं देखने के लिए। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो सब कुछ बंद है, तो लेकिन हम बाहर बाहर से आपको दिखाते हैं। ये उपसला आर्ट म्यूज़ियम भी है इस जगह पे, और ओपनिंग आवर्स जो उनसे अगर आना चाहे तो 11 बजे से 5 बजे तक की उसकी मंडे टू संडे ओपनिंग आवर है, विदाउट एनी छुट्टी, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, और क्या खूबसूरत तरीके के साथ ये चेक करें ज़रा, बहुत खूबसूरत है। आपको पूरे शहर का ऊपर से जाकर नज़ारा भी नज़र आएगा। ये चेक करें, ये सारा उपसला का म्यूज़ियम है। ये चेक करें, ये बगैर जिस्म के बाबा ऊपर है। ये देखिए, ये जनाब सुबह सुबह बाबा बेचारा उठ गया। वो ऊपर उस तरफ जाते हैं, उस जगह तोपे पड़ी हुई हैं। पुराने ज़माने में जब जंगे होती थी ना इनकी, जब डेनमार्क के साथ जंग होती थी, तो यहाँ से वो तोपे मारा करते थे। अब आपको मैं ऊपर जाकर दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाली तोपे जो सी जी ऊपर जा रहे हैं। चलो जी, उड़ गए। अच्छा जनाब, ये है तोप, जंग में इस्तेमाल होती थी, अब इन लोग में अमन आ गया है, ठीक है। ये लिखी हुई है, टावर वाज कम्प्लीटली डिमोलिश्ड एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द कस्टर की चैपल स्टॉप्ड होल्डिंग सर्विसेज। तो ये पूरी खैर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। हम ऊपर चलते हैं, और जनाब यहाँ पे ये बेल लगी हुई है। उन्होंने कहा जी कि 1588 के अंदर ये बेल बनी थी, उसके बाद फिर ये आग लग गई, जैसे ये चेक करते कोई आग शाग लग गई, उसके बाद दोबारा इन्होंने इस चीज़ को ठीक किया है। ये जी घंटा लटका, ये वाला घंटा। और ये यहाँ पे तोपे हैं, ये तोपे इस्तेमाल होती थी जंग के लिए, ठीक है। ये चुक चुक के मारते थे दुश्मनों के ऊपर। ये पूरा तोप का गोला गिरता था, जाकर पूरा मुल्क तबाह होता था। हेलो गाइस, गाइज हम उठ गए हैं, नींद पूरी कर ली है, खाना शाना खा लिया है, तो बस हम जा रहे हैं। वो सामने मेट्रो है, और ये पीछे बॉयज चेक करें, बॉयज जैसे पूरा गैंगस्टर आ रहा है। निशान भी बताएं जरा, फुल एक्टिव है, बस तैयारी है। तो आज क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ जाना है? आज करेंगे हम कश्ती की सवारी। अच्छा, स्टॉकहोम में।
अच्छा जजीरो पे। अच्छा आप बताएं भाई जी। बिल्कुल फुल एक्टिव है इस टाइम जी। अच्छा सो के नींद पूरी कर ली है, अब बस निकले हैं, देखते हैं अब ये रिशान भाई किधर किधर लेके चलते हैं। ये अमराती शेख जी क्या कैफा हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो क्या प्रोग्राम है? बस इतना ही आता है। जिंदाबाद पुत्र। बस देखो एक्साइटेड है। अच्छा चले जनाब, सामने सेंटर में आ गया, सेंटर में बैठेंगे और हम जाएंगे शहर में, वहाँ पे जाके कश्ती में बैठेंगे और जाएंगे जजीरे पे। तो आपको अपने साथ साथ आते हैं, पूरे स्टॉकहोम की सैर करवाते हैं। ले गाइस ये देखें, ये कार्ड मैंने ले लिया, ये मिला 195 का। इस कार्ड का तमाशा ये है कि इसको आप पूरे स्टॉकहोम में जहाँ मर्जी जाएँ इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप फेरी पे जाएं, बस पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, जहाँ मर्जी। अभी हम जा रहे हैं नीचे अंडरग्राउंड, यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे हम सेंटर में जाएंगे, और सेंटर में जाके फिर हम आगे आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये जा कर लें जनाब। ले गाइस हम पहुंचे हैं टी ट्रायंगल, जिसे टी सेंट्रम भी कहते हैं, और यहाँ पे चहल पहल आप देख सकते हैं लोगों की, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। आपको इधर से भी नीचे जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 10 मिला के फ्लोर है नीचे, जहाँ पे आप नीचे जा सकते हैं। तो अभी हम बाइक की तरफ जाते हैं, बाइक पर जाके पहुँच जाते हैं। गाइस हम सेंटर में पहुंच गए हैं, ये चेक करें, बॉयज पूरे एंजॉय कर रहे हैं। ये है जनाब टी सेंट्रल, टेन सेंट्रल स्टेशन, ये सारा एरिया जो उनसे है। ये अंकल खड़े हैं ऊपर देख रहे हैं सबको कि कौन क्या कर रहा है, और ये यहाँ पे 3 बज चुके हैं क्लॉक के ऊपर, और यहाँ पे टैक्सी शैक्सी भी खड़ी है, आपने कहीं जाना है यहाँ पर टैक्सी भी ले सकते हैं। और ये सारा सेंट्रम का जो उनसा ना एरिया, यहाँ पर अक्सर आपको पुलिस की भी दौड़े लगती नज़र आएंगी, क्योंकि बड़ा शहर है, जहाँ भी कोई क्राइम वगैरह होता है तो पुलिस भी की करके पहुंच जाती है। आ गई, इधर कोई लोचा हुआ है, जो पुलिस इधर स्टेशन में कोई लोचा हुआ है, इस वजह से पुलिस इधर आई है। यहाँ पे एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, ये वैते कातन जो उनसी है, ये स्टॉकहोम की सबसे पुरानी कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये कितने 100 साल पुरानी कॉफ़ी शॉप है, और ये 1928 के अंदर जो उनसा ना ये एल्बर्ट साहब ने ये स्टार्ट की थी, तो तब से ये जो उनसा ना सिस्टम चल रहा है, और काफ़ी बड़ी दुकान है सेंटर के अंदर कॉफ़ी शॉप की ये वाली। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आप इस कॉफ़ी को भी इंजॉय कर सकते हैं सेंटर के अंदर। तो गाइज अब लगी है ज़रा सी भूख, हम खाना खाने के लिए नीचे जाने लगे हैं। यहाँ पे हमें पता लगे ये पाकिस्तानी जो है ना, आपको खाना सारा मिल जाएगा, और ये यहाँ पर शॉप है, नीचे हम बेसमेंट पर जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं हमें जी क्या चीज़ मिलती है खाने के लिए जो पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हो। ये यहाँ पे लगा हुआ है जी। ले गाइस खाना गया हमारा आज, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में हमें निशान भाई लेके आए, कहते हैं ये बड़ी फेमस इनकी डिश है खट्टी रोल। तो ये खाते हैं और बताते हैं आपको जो फिर इसका क्या जायका है। हम निशान भाई की रिकमेंडेशन पे आए थे यहाँ पे, और बड़ा अच्छा हमें जूस मिला, और खाना भी काफ़ी अच्छा है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, और माहौल भी काफ़ी अच्छा, बाहर बैठ के आप सुकून से खाएं और इंजॉय करें। अब यहाँ से हम फ्री होते हैं, फ्री होकर हमने जाने आगे कश्ती पे गामलस्तादन में, तो हम आपको सारी चीज़ें साथ साथ दिखाएं। रोटी पानी खा ली है, मज़े शजे से पेट फुल कर लिया है, अब हम जाने लगे हैं आगे घूमने के लिए, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, ये चेक करें जी, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कश्ती रानी की तरफ जाते हैं, कश्ती रानी के अंदर बैठ के वहाँ पे मुख्तलिफ जज़ीरों के अंदर जाते हैं, फिर वो आपको आइटम दिखाते हैं साथ पूरी। गाइस ये देखें यहाँ पे सारे लगी हुई हैं चीज़ें, ये मुख्तलिफ तरह के रिंग्स और ये कैचर की चीज़ें ये आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आए सूटकेस लगे हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो बैग शैक भी लगे हुए हैं, यहाँ पर आप बैग शैक ले सकते हैं, ये चेक करें, शायद प्राइसेस भी लगे हुए हैं, और इतने ज़्यादा कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल ही है प्राइस के रेंज में सारे बैग। और यहाँ पे आकर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये चेक करें हैं क्या खूबसूरत तरीके के साथ बनाया गया, ठीक है, दरमियान में पानी चल रहा है, और साइड पे जो उनसे ना वो ऊपर अवतार खड़ा, ठीक है, और ये उसकी सारी नीचे कनीज़ें खड़ी हुई हैं,
ये जनाब चेक करें क्या सीन है। और यहाँ पे छक्कों का झंडा है, छक्कों के कपड़े कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या जी, ये जनाब ये जंगली सुअर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड लिखा हो, उन्होंने स्पेशल तरीके के साथ खुद फ्रेश अपने हाथों से कटाई करके ला के इधर खिलाते हैं। गाइस ये हम पहुँच गए टी सेंटर में, ये टी सेंटर में यहाँ का, यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं और ये यहाँ पे है फेमस टी ट्रायंगल, टी सेंटर या फेमस टी सेंटर ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको गमला सदन भी मिलेगा और यहाँ पे वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस साइड पे जाए आपको गुस्ताफ मिलेगा, और एक साइड पे यहाँ पे जो रास्ता है वो जाता है उस तरफ कश्ती रानी की तरफ, और वो कश्ती रानी जैसे मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आज, बेहतरीन किस्म का मौसम है, और जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और जाके फिर आपको आगे अपडेट करते हैं कश्ती रानी की तरफ। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे टी सेंटर के पास यहाँ पे एक जगह बनी है, यहाँ पे सारे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, सामने स्टेज सेट है, जब किसी ने कॉन्सर्ट करना है यहाँ पे आके स्टेज पे आप कर सकते हैं, और ये सारी नीचे ऑडियंस जो उनकी आपकी खड़ी होगी साथ आपके एंजॉय कर रही होगी। तो ये बिल्कुल सेंट्रम के पास जोन से ना आपको ये मिल जाता है। गाइस हम आ गए हैं जनाब कश्ती रानी की सवारी करने के लिए, ये चेक करें यहाँ पे क्या कमाल का व्यू है, ये चेक करें ये सामने कश्तियाँ, ये आपको पूरे शहर की सैर करवाते हैं, वो सामने जो कश्तियाँ खड़ी है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाती है इंटरनेशनल, ये स्टॉकहोम की सिटी के अंदर अगर आपने जाना है तो ये कश्ती की सवारी करिए, जो लंबी कश्ती है बड़ी सी कश्ती, वो सामने है स्वीडिश पार्लियामेंट और ये है जी किंग का महल, इसके भी आपको सैर कराएंगे इसके बाद में। तो अभी हमने जाना है वहाँ, वहाँ पे जाके हमने पकड़नी है कश्ती, कश्ती पकड़ के हमने पूरी सैर करनी है इसकी इलाके की। ये चेक करें ये व्यू, ये जनाब ये है यहाँ पे ग्रैंड होटल, जो ग्रैंड होटल है ये स्वीडन का 5-स्टार होटल है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्वे का, फिनलैंड का, डेनमार्क का, जर्मनी का और अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, दरमियान में स्वीडन का झंडा लगा हुआ है। ये अगर आपको मैं करीब करके दिखा सकूँ, ये देखें ये सारे मुल्कों के यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं। ये जनाब जी कश्ती चल पड़ी है और कश्ती जा रही है, चलो जी अल्लाह खैर करे रब दिस वाले, ये कश्ती जा रही है और ये सारी कश्ती है जो उनसी ने, इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास SL का कार्ड है तो आप ले सकते हैं शिप नंबर 80, वो आपको इस बिल्डिंग के जो ग्रैंड होटल है इसकी बैक साइड पे जाएंगे 80 नंबर आपको मिल जाएगी, और वहाँ से वो जाएंगे वो आपको फिर फ्री लेके जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे यहाँ पे कार्ड खरीद लिया होगा 24 घंटे के लिए, जिसके अंदर SL की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको फ्री होंगी उस एक कार्ड के ऊपर। ले जनाब हमारी कश्ती आ गई है और यहाँ पे इस जगह पे व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको कश्ती का टूर करवाएंगे, कैसे कश्ती पूरे आइलैंड्स के ऊपर जाती है, आपको पूरे स्टॉकहोम का टूर करवाते हैं। तो जनाब जुड़े रहें नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टॉकहोम टूर के, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय टाटा।